आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता और भारतवर्ष में गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी, राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय बीरेन जी, हमारे अपने इसी संभाग से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विशुदत्त शर्मा जी, राजस्थान मध्य प्रदेश के सांसदगण इस कार्यक्रम में पधारे, मध्य प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्व सहायता समूहों से संबंधित हजारों हजार की संख्या में हमारी दीदियां और इस पूरे परिक्षेत्र के इस कार्यक्रम की गरिमा पढ़ाने के लिए आए उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, बंधुओं, हमारा यह श्योपुर जिला बहुत ही छोटा जिला है, लेकिन प्राकृतिक संपदा से पूरी तरह परिपूर्ण है। इस श्योपुर जिले में दो विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है वह 60% वनों से आच्छादित है। वन है तो प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राचीन काल से ही इस परिक्षेत्र में अनेक मंदिर शिव भगवान के, गणेश भगवान के बने हुए, इसी के कारण इस क्षेत्र को श्योपुर नाम दिया गया है। इस छोटे से जिले में गांव गरीब किसानों से मिलने के लिए हमारी बहनों के उत्साह वर्धन करने के लिए आज हमारे प्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसी भी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचना यह अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। अनेक क्षेत्र बरसों से बाढ़ जो होते रहते हैं कि कभी वो दिन आएगा जब मेरे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का आगमन होगा। आजादी का अमृतकाल वर्ष है, आजादी के 75 वर्ष व्यतीत हो गए। इस श्योपुर की जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार करते करते, लेकिन मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस छोटे से क्षेत्र में आने की स्वीकृति प्रदान की और आज श्योपुर क्षेत्र के सभी लोगों का गौरव बढ़ाने का जो यह अवसर उपलब्ध कराया है। मैं श्योपुर की जनता, आसपास ग्वालियर चंबल संभाग की जनता जनार्दन की ओर से माननीय से क्षेत्र में स्वागत आने की स्वीकृति प्रदान की और आज श्योपुर क्षेत्र के सब तो खाली हाथ नहीं आए।
केशवपुर का, करहाल का, विजयपुर का क्षेत्र इस बात का साक्षी है। बरसों पहले हम लोगों से कहा गया था गांव को विस्थापित करो, यहां पर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। लोग विस्थापित हो गए, गांव के लोग इस बात का इंतजार करते रहे कभी तो यह अभ्यारण्य प्रारंभ होगा, हमारी रोजी रोटी को बल मिलेगा और यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन बरसों तक इंतजार करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया और उसके पश्चात मैं एक दो बार इस अभ्यारण्य के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करने के लिए गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम श्योपुर भी चलेंगे, खाली हाथ नहीं चलेंगे, और जब तक साउथ अफ्रीका से नामीबिया से चीता नहीं ला पाएंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे तो चीते के साथ ही इस अभ्यारण्य का शुभारंभ भी करेंगे और इस क्षेत्र की जो मांग है, आवश्यकता है, उसको पूर्त भी करेंगे। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी कूनो सेंचुरी में पधारे, उन्होंने चीते का पुनर्स्थापन किया। हम सब इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से जब चीते की कल्पना आपके मन में आई तो आपके मन में यह था कि जो प्राणी एशिया महाद्वीप और यूरोप तक में नहीं है, ऐसा ही प्राणी अगर कूनों के जंगल में आएगा तो इस क्षेत्र को और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपने वो प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सफल हुआ। आपके आगमन से यह पूरा का पूरा क्षेत्र घर घर आज उल्लास से भरा हुआ है और विशेष रूप से हमारे श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर में, मुरैना में, इस पूरे इलाके में शहरिया आदिवासी भाइयों और बहनों की संख्या काफ़ी मात्रा में है। ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, वर्षों से इनके जीवन स्तर में बदलाव आए इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे ध्यान है जब मैं संगठन का काम करता था तो पहले श्योपुर का नाम प्रतिष्ठा से नहीं लिया जाता था, लोग कुपोषण से मर गए, यही बात पूरे देश के अखबारों में सुनने में आया करती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस क्षेत्र के गरीब गुरबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि श्योपुर और शिवपुरी का यह क्षेत्र कुपोषण से बाहर आने की ओर अग्रसर हो रहा है। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। शिवराज सिंह जी ने 1,000 रुपया प्रति माह हमारी आदिवासी बहन को देने का निर्णय किया, उसका भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। यह क्षेत्र खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, यहाँ धान के किसान हैं, गेहूं के किसान हैं, सरसों के किसान हैं और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, इस श्योपुर जिले के 57,000 परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में 74 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, आप उनको सहायता दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के में आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में श्योपुर क्षेत्र की बहनें भी जुड़ी हुई हैं। अभी आपको कुछ उत्पाद भी देखने को मिले, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहता हूँ। जब कोविड का समय था, आपने जनता से सहयोग का आह्वान किया, जिसके मन में जिसका जो सामर्थ्य था
उसने उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन श्योपुर क्षेत्र की आजीविका मिशन की हमारी बहन 50,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने का काम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने किया। मास्क बनाने का काम, पीपी किट बनाने का काम, सार्वजनिक रसोई चलाने का काम और गांव में लोगों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से जहां एक और आशा बहन और आंगनबाड़ी बहन काम कर रही थी, वहीं स्वयं सहायता समूह का ग्रुप भी काम कर रहा था। ये सारे लोग आज पूरा ग्वालियर और चंबल संभाग और देश के 130 करोड़ लोग आज चीता सेंचुरी के आरंभिक अवसर पर बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से झूम रहे हैं। हम सब लोग भी अपनी प्रसन्नता को शब्दों में उल्लेख करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका आगमन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीता सेंचुरी का प्रारंभ यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अवसर का अगर उल्लेख नहीं करूंगा तो शायद मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज हम सब के प्राणों से प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के अवसर पर इस गरीब जनता जनार्दन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं प्रभु आप पर आशीर्वाद की वर्षा करे, ऐसा सामर्थ्य और शक्ति आपको दे कि आने वाले कल में जब भारत की आजादी 100 वर्ष की हो तो भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः एक बार फिर आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी को हम शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।